हमारे समाज के बड़े प्रभु समाज सेवी श्री जमुना प्रसाद पटेल जी भाग वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं जिनका नाम लेते जाऊँ सम्मान हमारे सभी यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को आसन दिलाते जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि जी से कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय श्री हमारे मार्गदर्शक श्री जमुना प्रसाद पटेल जी भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे बीच में यहाँ मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हो। हमारे बीच में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय श्री वसंत कुमार पटेल जी जो हमारे आज संरक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, उनकी भी सेवा बहुत निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान हो। हमारे बीच में श्री कमलेश पटेल जी धर्मपुरा वरिष्ठ समाज से भी उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा वो भी विराजमान हो। हमारे बीच में भाई नंद किशोर पटेल जी जो पूर्व मंडलीय अध्यक्ष वरिष्ठ समाज से भी हैं, मैं निवेदन करूंगा वो भी मंचासीन हो। हमारे बीच में शिवभान पटेल जी जो हमारे जिला महासचिव वीर शिवाजी महाराज राजाओं के राजा छत्रपति साहू जी महाराज सरदारों के सरदार सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इस ग्राम पंचायत की सरपंच आदरणीय कौशल्या भागरी जी हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वसंतलाल पटेल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय प्रहलाद सिंह यादव जी केपी सिंह यादव जी कमलेश पटेल जी जीवनलाल सिद्धार्थ जी राम खलावन पटेल जी सुदीप कुशवाहा जी संतोष लोधी जी आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे एडवोकेट हमारा जो महापुरुष होते हैं समाज में पैदा होते हैं। जो भी महापुरुष पैदा हुए हैं उन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया, चाहे हमारे छत्रपति साहू जी महाराज हो उन्होंने भी समाज के लिए किया, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था हो उसके आधार पे आप लोगों को देने का काम किया, चाहे वो शिवाजी महाराज हो उन्होंने आपके बीच में जो वीरता के निशान कायम करके आपके बीच में सौंपी थी, और चाहे हमारे महात्मा फूले जी हो उन्होंने भी जो भी आपके बीच में देने का काम किया है शिक्षा को देने का काम किया है जिसके आधार पे आज हमारे बीच में तमाम हमारे नौजवान पढ़ लिख के तैयार हुए हैं, हमारी बेटियां पढ़ लिख के तैयार हुए हैं। ये हमारी सावित्री फूले और महात्मा फूले की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमारे देश के लिए संविधान दिया है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे देश का संविधान दिया है जिसके आधार पे ये देश चलता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के दल के लोग वहाँ आ जाएं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बनाई हुई नीति को बनाए हुए संविधान के आधार से ही चलना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो किसी भी राजनीतिक दल के हो। अगर वो सत्ता पे जाते हैं तो निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के आधार पे निश्चित तौर पे आपके बीच में वो आपका काम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। लेकिन एक कहावत जरूर है कि योजना तो बनाते हैं लेकिन अभी हमारे सिद्धार्थ जी ने भी कहा था कि आपका वो सूत्र बाकी है,
तो योजना तो कोई भी सरकार हो बनाती है, लेकिन एक बात जरूर होती है, अगर नीति कितनी भी अच्छी हो, अगर उस नीति को बनाकर और चलाने वाले की नीयत अच्छी ना हो तो वो नीति काम में नहीं आती है। बाबा साहब डॉक्टर ने इस देश का संघ का इस देश की नीति तो बहुत अच्छी बना दी है, लेकिन यहाँ तो सरकारें होती हैं, तो इस नीति को चलाने वाले लोग होते हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए बनाई हुई नीतियाँ हमारे काम में नहीं आती हैं। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये जयंती हमारे लिए तभी होगी जो हमारे नीतिवान लोग आपके बीच में आए और उनको प्रतिनिधित्व करके हम आगे विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ऐसी आप लोगों से आशा रखते हुए, विश्वास रखते हुए कि सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर निश्चित तौर पे आप लोग सुने और मनन करें, मनन करने के बाद अपना काम करेंगे, ऐसी आशा रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय शिवाजी, जय सरदार, जय सावजी महाराज।